हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 26 फरवरी 2018 की डेली प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उनके साथ कुछ एमसीक्यूज़ है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है आज, वो है तापी गैस पाइपलाइन के बारे में। तो तापी गैस पाइपलाइन है, इसका कार्य भी स्टार्ट हो गया है और उसी को लेकर न्यूज़ आई है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि तापी पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, वो मैंने कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में, इन कंट्रीज़ के बीच, चारों कंट्रीज़ के बीच में है। तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़ वो नहीं होना है, क्योंकि एक बार यूपीएससी टी का मतलब यहाँ तुर्कमेनिस्तान या तजाकिस्तान या कुछ और भी दे सकते हैं। तो वहाँ देखो कंफ्यूज नहीं होना में भाई कि इनके बीच में और अभी एक्टिव फॉर्म में आई नहीं कि कार्य इसका स्टार्ट है वो हुआ। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड के बारे में। देखो एक्चुअली आज मैं कहीं बाहर हूँ तो इसकी वजह से जो फोटोज़ है वो ढंग से क्लियर नहीं आ पाई हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कैनर वगैरह का इश्यू था। तो मैंने आज फोटोज जैसे भी आई हैं उस तरीके से मैंने अपलोड करने की कोशिश की है, बट आपको जो पीडीएफ है वहाँ पे अभी अपलोड कर दूंगा, तो उससे आप जो भी न्यूज़ है वो एक बार अपडेट कर लेना। चलिए हमारी डिस्कशन को एक बार देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड, यह मेनली इसलिए बनाया गया था क्योंकि देखो हमारे देश में गवर्नमेंट ने भी ये प्रावधान रखा कि भाई 2022 तक हमें 12 मिलियन घर बनाने हैं। तो अगर 12 मिलियन इतने सारे घर बनाने हैं तो उनके लिए फंड चाहिए, और वो फंड आएगा कहाँ से? वो फंड आएगा मेनली गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है BTMPC के द्वारा। BMTPC है ये क्या करेगी, इस फंड को रेगुलेट करेगी, सारे काम इसके तहत किए जाएंगे। अब BMTPC है वो मेनली एक सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर है, वो है बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशनल काउंसिल। तो ये काउंसिल है, ये मेनली 1860 का जो हमारा सोसाइटी एक्ट है उसके तहत रजिस्टर है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए काम करने के लिए हाउसिंग फंड के लिए, वो ध्यान रखना है। वो मिनिस्ट्री वो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात इसकी ये आती है कि जो फंड है ना, ये नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड, इस फंड को जो पैसा है वो बजट के थ्रू नहीं मिलेगा, बजट के अलावा दूसरे जो तरीके होते हैं ना नॉन बजट है वहाँ से इनको पैसा है वो कलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को भाई बजट में पैसा देगी भाई 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, ऐसा करोड़ रुपए, ऐसा कोई भी सीन नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बजट के द्वारा इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, नॉन बजट जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ से इनको पैसा है वो कलेक्ट करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। दो न्यूज़ तो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, और इसके साथ एक होती है वो होती है इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट, तो देखो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होती है वो मेनली पर 1000 पे काउंट की जाती है, और इसमें मेनली बेबीज को इसमें काउंट किया जाता है कि भाई जो बच्चा जन्मने के 28 दिन की लाइफ है वो भी अचीव नहीं कर पाता, मतलब विद इन 28 डेज उसकी लाइफ वो डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो काउंट होती है। और अगर बच्चा है वो अगर 1 साल की एज है वो अचीव करने से पहले एक्सपायर हो जाता है तो वो आती है इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट में। तो ये ध्यान रखना कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में तो ये है कि शिशु के पैदा होते 28 दिन की एज अचीव करने से पहले मर गए हो तो वो होगा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। और इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये हुआ कि 1 साल की एज अचीव करने से पहले मर गए हो तो होगा इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट। तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दोनों ही पर 1000 पे काउंट है वो की जाती है। मातृत्व मृत्यु दर है वही एक ऐसी है जो पर लेख के ऊपर काउंट है वो की जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। आगे देखते हैं इसकी किसके द्वारा जारी की जाती है रेट्स वगैरह, ये की जाती है यूनिसेफ के द्वारा। अब यूनिसेफ के बारे में हम देख लेते हैं। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। देखो बात ऐसी है, यूएन का तो ऑर्गेनाइज साफ साफ पता चल रहा है कि यूएन नाम हमारे से पता चल रहा है। अब 1946 मतलब हमारे देश का पूरे वर्ल्ड में जब वर्ल्ड वार हुआ था 42-45 के वाले सीन में, तो उस टाइम पे क्या कि काफ़ी बच्चों के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसीलिए इस फंड का निर्माण किया गया था चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड को, कि ताकि भाई बच्चों की जो काफ़ी हेल्थ वगैरह का उनको काफ़ी वगैरह रहने वगैरह बहुत दिक्कत आ रही थी, तो उन सबको बच्चों को उनकी आजीविका उसको ठीक भी करने के लिए कि भाई उनको थोड़ा राहत वगैरह चलाई जाए, उनको स्कूलिंग वगैरह सारे काम कर जाए, इसके तहत फंड का निर्माण है वो किया गया था। और इसे 1965 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज है वो मेनली आई है एंसेंट की एक जो पिरामिड सिटी थी मेक्सिको की, जिसका नाम है अंगोमोको, ये ध्यान रखनी है। अंगामोको जो सिटी है कहाँ पे, मेक्सिको की सिटी है, जिसको भी रिसेंटली खोजा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह 1000 से 1350 AD के बीच की यह सिटी थी जो बनी हुई थी उस टाइम पे। तो जी थोड़ी यूपीएससी में भी पूछ सकती है कि रिसेंटली कौन सी सिटी है जो खोजी गई थी वगैरह, तो वो सिटी मेक्सिको की नाम है उसका एंगामोको। तो ध्यान रखना कि भाई एंगामोको जो सिटी है वो मेक्सिको की है। इससे किस टेक्नोलॉजी से खोजा गया है वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो है लीडार टेक्नोलॉजी। ये यूपीएससी जनरल स्टडीज़ में पूछ सकती है, जनरल अवेयरनेस में। देखो
लिडार टेक्नोलॉजी और एक होती है राडार टेक्नोलॉजी, दोनों एक तरीके की मतलब एक जैसी ही है, बट डिफरेंस इसमें थोड़ा है वो देख लेते हैं क्या। देखो राडार टेक्नोलॉजी होती है ना, उसमें क्या होता है, राडार टेक्नोलॉजी में ये होता है जैसे कि जो आपने एयर ट्रैफिक में राडार वगैरह यूज़ करते हैं ना, मतलब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री वगैरह द्वारा, उनके द्वारा एयरपोर्ट वगैरह पे, राडार में नॉर्मली ये सिस्टम होता है कि रेडियो वेव है ना वो छोड़ी जाती हैं एक जगह से। अब रेडियो क्या करेंगी, जैसे ही सामने कोई ऑब्जेक्ट हो गया उससे टकराएंगी फिर वापस आएंगी, तो उनके टकरा के वापस आने में क्या टाइम लगता है, तो उस टाइम के आधार पर काउंट किया जाता है कि भाई सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके का है, और उसके आधार पर सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है, और उसके बाद मैनली मेजर किया जाता है कि हाँ भाई ये सामने ये चीज है। तो ये होती है राडार टेक्नोलॉजी। तो राडार टेक्नोलॉजी में मैंने क्या होता है, रेडियो वेव यूज की जाती है, जबकि लिडार टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सेम यही होता है कि इसमें भी लाइट है वो, इसमें लाइट छूट जाती है, बस ये फर्क है। जैसे कि राडार में क्या होता है, रेडियो वेव यूज की, रेडियो वेव्स हैं वो यूज की जाती हैं, जबकि लिडार टेक्नोलॉजी में ये होता है कि लाइट पल्सेज हैं उनको भेजा जाता है, क्योंकि लाइट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है कंपेयर टू रेडियो वेव्स की वजह से, इसलिए जो एफिशिएंसी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो आप बोल सकते हो कि जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, कि भाई सामने प्रॉपर ऑब्जेक्ट है क्या, तो इसलिए लिडार टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा लेटेस्ट है ये बोल सकते हो आप। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखें कि लिडार टेक्नोलॉजी है वो लाइट बेस्ड है, और राडार टेक्नोलॉजी है वो करती है रेडियो वेव बेस्ड है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है मैंने इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में, तो देख लेते हैं। देखो इराविकुलम नेशनल पार्क है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे देश की साउथ की सबसे ऊंची पीक है नामुड़ी, वो है कहाँ पे, वो इरावली, जो ये इराविकुलम नेशनल पार्क है इसी के अंतर्गत है। ये ध्यान रखना है कितनी हाइट है उसकी, 2695 मीटर। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट बात है कि इराविकुलम नेशनल पार्क है इसमें काफ़ी इंडेमिक स्पीसीज हैं वो भी पाई जाती हैं, जैसे कि नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर क्या है, एक हिरन की तरह की एक प्रजाति है जो केवल और केवल इराविकुलम नेशनल पार्क में ही पाई जाती है। इंडेमिक का मतलब वो होता है कि वो स्पीसीज जो पर्टिकुलर उसी एरिया में पाई जाती है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि यहाँ पे कौन से ट्राइब या कौन से लोग रहते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं मुथुवंश लोग। तो ये ध्यान रखना है कि मुथुवंश लोग हैं, मुथुवंश कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इराविकुलम नेशनल पार्क में रहते हैं। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है ड्राई पेट्स कलामी के बारे में। ड्राई पेट्स कलामी है वो नई प्लांट की एक स्पीसीज़ है जो कि वेस्ट बंगाल में बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजी गई है रिसेंटली। वेस्ट बंगाल में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक था बुक्सा और एक है जलापारा। तो ये ध्यान रखना है कि बुक्सा और जो जलापारा नेशनल पार्क है, इन दोनों के अंदर ये जो पेड़ की स्पीसीज है इसे अभी खोजा गया है। मेनली ये जो ड्राई पेट्स जो कलामी नेशनल ड्राई पेट जो कलामी है, जो पेड़ की प्रजाति है, ये मेनली हमारे अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पर को इनका नाम है वो रखा गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि यह IUCN की जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट ना, उसमें यह प्रजाति शामिल है पेड़ पौधों की, क्योंकि IUCN की जो क्रिटिकल प्रजाति है उसमें UPSC तो ये पूछ सकती है भाई उसमें फौना और फ्लोरा दोनों काउंट होते क्या। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि IUCN की जो रेड लिस्ट वगैरह होती है उसके अंदर फौना एंड फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे भी काउंट होते हैं और जानवर है उनको भी उसमें काउंट किया जाता है। और इसी के साथ एक यहाँ पे है कि यह मैनली जो आदर होते हैं ना, एवरग्रीन मतलब आदर्श समशीतोष्ण कटिबंधित जो एरियाज होता है उस वाले एरिया में यह पेड़ पौधे मेनली पाए जाते हैं। तो ये तो खैर इतना नहीं देखा, बट ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में खोजी गई है कौन कौन सा टाइगर जो नेशनल पार्क है वहाँ पे, बुक्सा और जलापारा जो टाइगर नेशनल पार्क है सॉरी उन नेशनल पार्क में इनको इस स्पीसीज को खोजा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आई है राष्ट्रीय कृषि महोत्सव 2018 के बारे में, तो देख लेते हैं क्या। राष्ट्रीय कृषि महोत्सव 2018 है वो मेनली भी कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक दो दिन का फेस्टिवल था, तो उसको लेके न्यूज आई है। क्यों ये स्टार्ट किया गया था, देखो हमारे देश में गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था, कैंपेन चलाया था एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के तहत इनका निर्माण इस महोत्सव को चलाया गया था। और हुआ कहाँ पे, ये हुआ मेनली MP के ग्वालियर में। तो ये चीज़ हमें बेसिक पता होना चाहिए। क्यों चलाया गया संस्कृति महोत्सव वो भी देख लेते हैं। देखो बात ऐसी है कि हमारे देश में जो यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि विविधता में एकता वाला, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस कॉन्सेप्ट को आगे सेलिब्रेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, एक कल्चर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसे आयोजित किया गया था। इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि क्लासिकल जो डांस होगा, क्लासिकल फोक लैंग्वेज म्यूजिक वगैरह होंगे, डांस वगैरह, इसका थिएटर हुए, नाटक वगैरह हुए, या विजुअल आर्ट्स हैं उनकी हेल्प से मतलब यूनिटी है उसको आगे लेके जाया जाएगा। अब देख लेते हैं हम एक भारत श्रेष्ठ भारत है वो मैंने 2016 में प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें यह था कि भाई एक स्टेट का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें यह हुआ था कि एक स्टेट के लोग हैं वो दूसरे स्टेट में जाएंगे और वहाँ पे अपनी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे अपने खाना पीना उन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, फिर दूसरे स्टेट के लोग हैं वो उस स्टेट में आएंगे। हर साल इसमें क्या है कि मतलब दो दो स्टेट का पेयर बनेगा, एक स्टेट के लोग दूसरे में जाएंगे, दूसरे की पहले में आएंगे, तो आपस में वहाँ पे क्या है कि उनके बीच में रिलेशन हैं वो बढ़ेंगे। इसलिए जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो तमिलनाडु जाएंगे, और तमिलनाडु के लोग हैं वो जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे उस साल, तो वहाँ के दोनों स्टेट हैं वो आपस में एक तरह से अपने रिलेशन हैं वो इंप्रूव करेंगे। तो लास्ट ईयर इसमें मेनली
हरियाणा और तमिलनाडु के बीच में स्टार्ट हुआ था, तो वो तो हमें नहीं देखना, बस हमें पता होना चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें होगा क्या कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में यूनिटी है उसको आगे बढ़ाना है। अब चलते हैं हमारी आज की क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मेनली है मिशन इनोवेशन के बारे में। तो आपको ये बताना है कि मिशन इनोवेशन है क्या, वह इंडिया का ही एक प्रोग्राम है या है नहीं है। तो देखो मैं बताता हूँ कि मिशन इनोवेशन है वो इंडिया का ही अकेले का प्रोग्राम नहीं है, मिशन इनोवेशन है वो ग्लोबल इनिशिएटिव है। क्यों चलाया गया था यह ग्लोबल इनिशिएटिव? यह ग्लोबल इनिशिएटिव इसलिए चलाया गया था ताकि भाई जो क्लीन एनर्जी है ना, क्लीन एनर्जी के मामले में रिसर्च वगैरह हो सके और सभी लोग हम क्लाइमेट चेंज के बारे में ग्रीन जॉब्स हैं क्रिएट वगैरह करें, इसके लिए मिशन वो चलाया गया था। और एक इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इसमें इंडिया भी मेंबर है और इसके साथ बाकी और कंट्रीज भी मेंबर है, तो इसमें टोटल कंट्रीज हैं वो है यूरोपियन यूनियन प्लस 22 कंट्रीज इसमें शामिल है, तो 22 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल है। तो ये ध्यान रखना कि भाई अकेले इंडिया का ये मिशन नहीं है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सस्टेनेबल जो बायोफ्यूल होता है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि देखो बायोफ्यूल है वो सभी सारी कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की जरूरत है, तो इसलिए इसमें बायोफ्यूल के ऊपर ज़्यादा रिसर्च है वो भी की जा रही है। और इसी के साथ बात यह है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल बायोफ्यूल है वो इंडिया में ही इस बार आयोजित की गई थी, तो वो सारा मैंने यहाँ पे नोट्स में न्यूज़ है वो मैंने अपडेट कर दी है टारगेट वगैरह के तहत सारी बात। इसी के साथ इसमें टारगेट क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। देखो मिशन इनोवेशन का टारगेट ये रखा गया है कि भाई क्लीन एनर्जी के मामले जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना उसमें इन्वेस्टमेंट तो की जरूरत पड़ेगी और उस इन्वेस्टमेंट को हमें आगे आने वाले 5 साल में डबल करना है, ये इसका टारगेट है वो रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है वो धनुष की मिसाइल के बारे में। आपको ये बताना है कि धनुष मिसाइल है क्या वह सरफेस टू एयर मिसाइल है, और दूसरा यह कि इसकी रेंज है वो 350 किलोमीटर है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, धनुष मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ना कि सरफेस टू एयर। तो इसमें देखे जाए तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है और सेकंड ऑप्शन वो बिल्कुल सही है कि धनुष मिसाइल की रेंज है वो 350 किलोमीटर है, अभी रिसेंटली है न्यूज़ में आया था। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में। तो आपको ये बताना है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इनमें से कौन कौन से स्टेट में है, मतलब कौन कौन सा स्टेट है वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में शामिल है, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो जी हाँ, ये सारे के सारे स्टेट हैं ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में शामिल है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट ग्रीन कॉरिडोर में शामिल है, ये यूपीएससी मेनली पूछ सकती है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हैं वो मेनली इंट्रा स्टेट जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके तहत चलाए गए थे। इसमें ये प्रावधान रखा गया था कि भाई हमारे देश के जो 8 स्टेट हैं जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन स्टेटों को आपस में कनेक्ट किया जाए और वहाँ पे मतलब एक जिसे एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाए। कौन कौन से स्टेट इसमें शामिल है? इसमें तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये 8 स्टेट्स में काउंट हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें ये पर्पज़ रखा गया है कि 20,000 मेगावाट है जो इलेक्ट्रिसिटी है नॉन रिन्यूएबल उस पर, तो वो तो इतना रहने देना, बस ये पता होना चाहिए कि 8 स्टेट कौन कौन से हैं। तो एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। आज हमने सबसे पहले जो तापी गैस पाइपलाइन के बारे में डिस्कस किया था कि तापी गैस पाइपलाइन है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है, वो देखा कि उसका काम वो स्टार्ट हो गया है। इसके बाद में हमने नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड देखा कि जो नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड है उसका मेन मोटो है कि हमारे देश में 2022 तक 12 मिलियन घर हैं वो अप्रोक्सीमेट बनाने हैं ताकि गरीबों को शहरों के अंदर अफोर्डेबल रेट में घर हैं वो मिल सकें। देखो शहरों के अंदर जो गरीब लोग रहते हैं उनको समस्या बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उनको खाने पीने की भी दिक्कत रहती है। गाँव में तो क्या कि रहने का जैसे जुगाड़ हो जाता है, बट शहरों में रहने वालों को खाने पीने के अलावा और भी काफ़ी सारे अरेंजमेंट करना होते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम है वो चलाई गई थी। और इसी की अगला जो न्यूज़ थी वो थी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट। इसके साथ ही हमने देखा कि यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट रेट हैं जारी की जाती हैं और यूनिसेफ क्या था वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद में हमने देखा कि एक एंसेंट की सिटी थी उसका नाम था मेनली मेक्सिको की, उसका नाम है अनामुको। अनामुको जो सिटी थी वो अभी खो गई थी और इसको अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया था वापस, मतलब खुदाई वगैरह के दौरान। तो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वो थी लिडार टेक्नोलॉजी। तो हमने डिस्कस किया कि लिडार टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ होता है और राडार टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद में हमने इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया जो कि साउथ के मेनली तमिलनाडु में है। इसी के बाद में हमने ड्राई पेट्स कलामी जो एक नई प्लांट की स्पीसीज है वो खोजी गई वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में डिस्कस किया। और बाद में हमने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2018 के बारे में डिस्कस किया जो कि कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा होस्ट किया गया था ताकि हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे प्रमोट करने के लिए। उसके बाद हमने मिशन इनोवेशन के बारे में डिस्कस किया कि क्या मिशन इनोवेशन है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। एक्चुअली थोड़ा वीडियो की क्वालिटी का थोड़ा इश्यू हो सकता है, तो सॉरी फॉर दैट, वो मैं अगले से वीडियो से इम्प्रूव कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।